Now, let us learn a story, Gulliver in the Giant's Land. Students, ये जो स्टोरी है वो गुलीवर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, राइट? सो लेट अस लर्न. आई एम गुलीवर ए सेलर. तो हियर गुलीवर क्या कहता है कि मैं गुलीवर हूँ और मैं एक नाविक हूँ. नाविक यानी कि सेलर. आई हैव विजिटेड मैनी स्ट्रेंज आइलैंड्स. मैंने कई अजीब आइलैंड्स के विजिट की है. वंस आई विजिटेड एन आइलैंड ऑफ ड्वार्फ्स कॉल लिलीपुट. के मैंने एक बार जो आइलैंड है वो ड्वार्फ का है. ड्वार्फ यानी कि टाइनी मैन का है और उसका नाम क्या है, लिलीपुट. वहाँ पे विजिट किया. आई वॉज ए जायंट अमॉन्ग द लिलीपुटियंस. और मैं लिलीपुटियंस के बीच एक बड़ा जायंट था. देन आई लैंडेड ऑन एन आइलैंड ऑफ जायंट्स वेर आई वॉज ए ड्वार्फ. फिर मैं एक दूसरे आइलैंड पे पहुँचता हूँ. वहाँ पे मैं कैसा था, टाइनी मैन था. ड्वार्फ यानी कि टाइनी मैन, क्योंकि वहाँ पे सब कैसे थे, जायंट्स थे. तो गुलीवर क्या कहता है कि मैं दूसरे आइलैंड पे पहुँचता था जहाँ पे सब जायंट्स थे और मैं वहाँ पे टाइनी मैन था. लेट मी टेल यू अबाउट माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड्स ऑफ जायंट्स. कि मैं आपको जायंट्स के आइलैंड के बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके बारे में बताता हूँ. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवरेड वन ऑफ द जायंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस. मैं फेंस में छुपने के लिए जगह खोजने लगता था, किस जगह खोजने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे पता चला कि जो जायंट है वो आगे खेत में से आगे आ रहा था, राइट? एक जो सब जायंट है उसमें से एक जायंट उसकी तरफ आ रहा था. सो वो क्या करने लगा कि फेंस में छुपने की जगह ढूंढने लगा. आई वॉज स्ट्रक विथ फियर एंड रन टू हाइड माई सेल्फ. मैं डर के मारे ध्रुजने लगा, मतलब बहुत डरने लगा और ख़ुद को छुपाने के लिए दौड़ पड़ा. ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर देन ए ट्रम्पेट. उसने बहुत ज़ोर से बुलाया. उसकी आवाज़ कैसी थी, बहुत ज़ोर की थी. इट साउंडेड लाइक थंडर. कि उसकी आवाज़ इतनी ज़ोर से थी कि वो जैसे गड़गड़ाहट हो रही थी. सेवन मॉन्स्टर्स लाइक हिम केम टूवर्ड्स द फील्ड रेडी टू रीप. के जो सेवन मॉन्स्टर्स थे उसके जैसे राक्षस, जो कॉर्न का फील्ड था वहाँ पे, तो कॉर्न को कट करने के लिए खेत में रेडी हो गए थे, रेडी होकर आ गए थे, राइट? दे कैरीड ए रिपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. आपको पता है कि कोई भी क्रॉप को कट करने के लिए जो यूज़ होता है, राइट, उसको हियर क्या कहा है, हुक. तो उन्होंने हाथ में क्या था, रिपिंग हुक था. उन सब ने रिपिंग हुक पकड़ा था जो बहुत बड़ा था. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. के उसमें से जब उसमें से एक रीपर वहाँ से छुपा था, कौन छुपा था, गुलीवर छुपा था, वहाँ पे आया तो जो गुलीवर है वो जितना ज़ोर से चिल्ला सके उतना वो चिल्लाया. द
creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. जो क्रीपर था, मतलब जो रिपर्स था, वो कौन था, जायंट था, वो उसकी तरफ आने लगा तो ज़ोर से उसने चिल्लाया, राइट। और फिर क्या किया उसने, रिपर ने, जो जायंट था उसने कट करना बंद कर दिया, उसने देखा तो उसने कट करना बंद कर दिया और गुलीवर को उसके अंगूठे और उसकी जो तर्जनी अंगूठी होती है, मतलब उंगली होती है, उसके बीच उठाया और मुझे उसकी आँखों के करीब ले गया। ज़मीन से कितने फुट ऊपर था वो, 60 फीट ऊपर ले गया, देखो। और उसने मुझे देखा, ही लुकड एट मी विथ क्यूरियोसिटी एंड ब्लू माई हेयर असाइड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ माई फेस। और फिर उसने मुझे जिज्ञासा से देखा कि ये कौन है, राइट। और मेरे चेहरे पे, चेहरे को बेहतर तरीके से देखने के लिए उसने क्या किया कि मेरे बालों को एक तरफ से उड़ा दिया और फिर मेरा मुंह क्लियर देख सके इसलिए मुझे देखा। देखो, ही कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड जेंटली प्लेस मी ऑन द ग्राउंड। फिर उसने क्या किया वो जायंट ने, तो उस जायंट ने अपने दोस्तों को बुलाया और धीरे से गुलीवर को ज़मीन पे उतारा। द ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी। जो सभी जायंट्स थे उन्होंने क्या किया, वो सभी मुझे अच्छे से देखने के लिए ज़मीन पर बैठ गए क्योंकि गुलीवर छोटा था, सब बड़े थे, राइट। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल ऑफ माई हेड एंड मेड ए लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स। मैं धीरे धीरे पीछे और आगे बढ़ा, अपनी टोपी उतारी और फार्मर्स की तरफ झुका। क्यों झुका, क्योंकि उसको डर था कि ये सब मुझे मारेंगे। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। देखो, गुलीवर को जितनी भी लैंग्वेज आती थी वो सभी लैंग्वेज में उसने ज़ोर से बोलने की कोशिश की। ईच टाइम आई डिड सो द फार्मर हु पिक्ड मी अप हेल्ड हिज ईयर वेरी क्लोज टू मी बट इन वेन। के जितनी बार गुलीवर ज़ोर से बोलता है उतनी बार क्या होता है, हर बार जब गुलीवर वैसा करता है तो वो जो फार्मर होता है वो उसको उठाने वाला किसान अपना कान उसकी तरफ लाता है, उसके पास में रखता है, लेकिन सब व्यर्थ था क्योंकि उन लोगों को कुछ समझ में आता नहीं था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल व्हिच वाज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। के जो फार्मर था उसने क्या किया, गुलीवर को उसके घर पे ले गया और डाइनिंग टेबल के ऊपर बिठाया। और वो डाइनिंग टेबल कितना बड़ा था, मतलब हाई था, तो 30 फीट ज़मीन से वो ऊपर था डाइनिंग टेबल। देखो, डिनर वॉज ब्रॉड फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वॉज 10 फीट इन ए डायमीटर। जो डिनर फार्मर के लिए लाया गया था वो कितना था बड़ा, 10 फीट बड़ा था, राइट, क्योंकि वो जायंट लोग थे, राइट। तो रात का जो खाना किसान के लिए लाया गया था टेबल पे वो 10 फीट लंबा था, मतलब 10 फीट उसकी डायमीटर था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बलेड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी। जो फार्मर्स की वाइफ थी उसने ब्रेड के टुकड़े टुकड़े किए और मेरे सामने रखे। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइस बिहाइंड मी। कि जब डिनर चल रहा था तब बीच में मैंने मेरे पीछे से आवाज़ सुनी। इट वॉज द
pawing of a cat that was 10 times larger than an ox. देखो वहाँ की जो कैट है वहाँ की वो भी बहुत बड़ी थी. कितनी बड़ी थी? 10 times larger than the ox. ox से भी 10 times बड़ी थी. तो गुलीवर ने क्या देखा कि वो जो कैट की आवाज़ थी और वो कैट ऑक्स से 10 times बड़ी थी. The farmer's wife was striking him. फार्मर की वाइफ उसको थपथपाती है. Then entered the farmer's 1 year old son in the arms of the lady. फिर तब क्या हुआ? तब 1 साल का जो फार्मर का लड़का था वो किसी लेडी के हाथ में आता है. मतलब कोई लेडी वो फार्मर के लड़के को लेकर आती है. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. देखो यह पिक्चर में दिया है ना, क्या दिया है कि जो बेबी है क्या करता है, टेबल पे गुलीवर पड़ा है उसको क्या करता है, उठा लेता है, उठाकर उसके हेड उसके मुंह में रखता है. राइट. आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप्ड मी. जो गुलीवर है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तब जो बच्चा है उसको छोड़ देता है. किसको छोड़ देता है? गुलीवर को. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी. जब बेबी ने गुलीवर को उसके हाथ में से छोड़ दिया तब गुलीवर को लगता था कि मेरी आज नाक टूट जाती अगर जो मदर है उसने मुझे उसके एप्रन में पकड़ ना लिया होता. लेटर सी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवरेड मी विद ए क्लीन वाइट हैंडकरचीफ. बाद में उसने मुझे उसके बेड पे रखा और एक क्लीन हाथ रुमाल होता है उससे मुझे ढक दिया, मतलब उड़ाया. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. मैं अपने घर अपनी पत्नी और बच्चे के सपने देखता था. देखो जो गुलीवर है वो सो जाता है और क्या देखने लगा सपने में, कि वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ सोता है. राइट. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट गुलीवर्स ट्रैवल्स. राइट. ओके.